बढ़िए और आगे बढ़िए। चल निकल मेरी जिंदगी से, तेरी जैसी बहुत आई, तेरी जैसी बहुत गई मेरी जिंदगी से, सारे पेज नीले कर दिए मेरे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, होस्टिंग विद तंजील के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तंजील अहमद। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का, आपकी चाहतों का, आपके प्यार का और आपके इजहार का बहुत शुक्रिया। लास्ट टाइम भी मैंने टिकटॉकर्स के साथ वीडियो बनाई थी, आपने देखा होगा, हतीम और सजावल टिकटॉकर दोनों मेरे साथ मौजूद थे, लाहौर के बहुत ही अच्छे और मशहूर टिकटॉकर्स। उसी के साथ साथ आज दोबारा मेरे साथ एक टिकटॉकर्स मौजूद हैं, बल्कि दो टिकटॉकर मेरे साथ मौजूद हैं, एक मलिक मून और एक यार मेरे साथ मौजूद है। इनके जो टिकटॉक के ऊपर फॉलोवर्स हैं वो हम इनसे खुद ही पूछ लेते हैं। आपके कितने फॉलोवर्स? मेरे फॉलोवर हैं 298 के आपके फॉलोवर्स हैं, 298,000 इनके फॉलोवर्स हैं। और आपके लाइक्स कितने? मेरे लाइक्स 3.4 मिलियन। आपके कितने फॉलोवर्स और लाइक्स? 150 के। और लाइक्स? 1 मिलियन। 1 मिलियन आपका होने वाला, ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं कि जब आपने वीडियो बनाई थी फर्स्ट टाइम, तो क्या रिएक्शन था घर वालों की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से? रिएक्शन तो बस मामा को ना मसलन नहीं ज़्यादा पसंद था, लेकिन ये था मेरा बड़ा भाई और मेरी सिस्टर, मुझे इन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया मसलन, कि उन्होंने कहा कि चलो आप कंटिन्यूसली इसको करो। लेकिन फ्रेंड्स में ये था कि वो ना नुक्स वगैरह निकाल दे कि यार आपने ये वीडियो ऐसी नहीं बनाई, ऐसी ना अपनी तरफ से, लेकिन मैंने उनकी बातें इग्नोर की कि जो चीज़ इंसान आज आप बहुत ऊपर, बिल्कुल ऐसी है ऐसी, तो मैं उसको कंटिन्यूसली स्टार्ट करता रहा। मैंने नफीस फैमिली की तरफ से सपोर्ट है और फ्रेंड्स की तरफ से, फ्रेंड्स बीच में नुक्स निकाल देते हैं, लेकिन अब आके उनको कोई नुक्स नहीं निकालते, क्योंकि आप थोड़ा ना आपका आप क्या रिएक्शन था घर वालों? फैमिली सपोर्ट करते हुए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये तो जस्ट टिकटॉक शुगल फॉर्म है, अदर एक्टिविटीज़ क्या? अदर एक्टिविटीज़ मैं स्टूडेंट भी हूँ और जॉब भी करता हूँ, सुबह एकेडमी और शाम में जॉब। जॉब क्या कर रहे हैं आप? जॉब मैं मॉल में जॉब करता हूँ। आपकी क्या एक्टिविटी? मैं मार्केटिंग करता हूँ। कौन सी मार्केटिंग करते हैं? मेडिसिन। ठीक है, और पार्ट टाइम आप ये टिकटॉक्स बनाते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कितना अर्सा हो गया आपको टिकटॉक्स बनाते हुए? मुझे लेकिन टोटल मुझे मैं साफ कहूँगा 2 साल हो गए मुझे, लेकिन ना बीच में मैं ना सिर्फ वीक में सिर्फ टाइम पास के लिए था ना, जस्ट स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस या इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक के लिए ना हो गया या व्हाट्सएप के लिए ना, बस ये था। लेकिन जो मैंने इसको प्रॉपर इसको मैंने टाइम दिया ना, वो मुझे तकरीबन ना 7-8 मंथ हो गए हैं इसको मैंने प्रॉपर टाइम दिया। पहले आप जस्ट बना ली नहीं तो ना सही, और फिर उसके बाद शौक था, लेकिन जब नहीं था मिलता रिस्पांस, लेकिन यह स्ट्रगल करता रहा ना, आहिस्ता आहिस्ता ना मुकाम मिल गया, लेकिन देर लगी, लेकिन ओके हो गया बिल्कुल। अब आपका हैप्पी है? बिल्कुल जी, अब आप हैप्पी हैं? बहुत हैप्पी हूँ, मुझे काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह, आप टिकटॉक ओपन देखते हैं सब लोग, सब जानते हैं, बहुत अल्लाह पाक का शुक्र है, इतनी इज्जत। मोस्ट वीडियोज़ जो ना वो फॉर यू पे होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा यही होती है, मलका ना ला यारी, कि मेरा ये था ना कि अपने मुंह से तो ज़रा ये सुना दे, मलका ना ला यारी, या बड़े लजपाल होंगे मलक जो सज्जन हो गए तो रब का कमाल हो गए। हाय क्या बात है। तो आप मुझे ये बताएं आपको कितना अर्सा हो गया? मुझे 1 साल हो गया। तो 1 साल से आपको सही रिस्पॉन्स मिल रहा है? 1 साल में से कभी बनाता, कभी छोड़ देता, अगर रियल जो है ना वो 2 महीने तक हुआ, 2 महीने में बनाता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी जो फर्स्ट वीडियो जब आपकी वायरल हुई थी उस पर कितने व्यूज़ और लाइक्स थे? मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी ना उसके ऊपर 1.7 मिलियन व्यू था और उस पर लाइक थे 197 के। ज़बरदस्त कि 1.7 मिलियन व्यूज़। और वो थी भी मलिक वाली वीडियो, मलिक वाली मुझे, क्योंकि मलिक ने बहुत सपोर्ट किया, मलिक कास्ट मुझे या मेरे मुताबिक लाहौर में मलिक बहुत हैं, या फिर मुझे मलिक कास्ट के लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मैं कहता हूँ उनकी सपोर्ट की वजह से ना आज मैं इस मुकाम तक पहुँचा, वरना मुझे नहीं। थैंक यू तो कहते हैं फिर मलिक, बहुत शुक्रिया मलिक कास्ट वालों का, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, अच्छा आप मुझे आप ये बताएं कि आपकी जो फर्स्ट वीडियो वायरल हुई उस पर, फर्स्ट वीडियो जो वायरल हुई थी उस पर कितने लाइक्स और व्यूज़ आए थे? फर्स्ट वीडियो जो वायरल हुई अपलोड की थी मैंने, जो फर्स्ट वीडियो आपकी वायरल हुई है, मोस्ट वायरल वीडियो, 1,85,000। ये लाइक्स क्या व्यूज? 2 मिलियन। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट मेरे साथ, तो यार स्टार्स बैठे हुए हैं फिर आज तो। अच्छा मुझे ये बताएं कि फर्स्ट वीडियो जब आपने वायरल अपलोड की थी, नया नया अकाउंट बनाया और वीडियो अपलोड की, क्या रिस्पॉन्स आया था, कितने लाइक्स और व्यूज थे? ये था मसलन स्टार्ट ही था, फर्स्ट वीडियो अपलोड की 400 उस पर व्यू आए थे और तकरीबन उस पर 100 लाइक आए थे उसके, लेकिन यह था बनाते रहे क्योंकि वो बस ही ना बस टाइम के लिए था ना, टाइम पास था, लेकिन या फिर उस पर स्ट्रगल करते रहे ना बस, फिर उसके बाद आपकी क्या रिस्पांस था फर्स्ट वीडियो? 50 लाइक आए थे और 200 व्यूज़ आए थे,
और हाँ बात ये तो फर्स्ट वीडियो थी ना उस पर 100 लाइक थे ना, उसमें मैं कहता हूँ 10 से 15 ना अपने ही लाइक्स थे। जो फ्रेंड्स मिल गए, फ्रेंड्स मिले उनके मोबाइल पकड़ा यार, उसका मोबाइल पकड़ा खुद ही फॉलो कर लिया और यार ये जरा जल्दी मोबाइल पकड़ा, टिकटॉक ओपन किया, लाइक किया, फॉलो कर दिया, 10-15 अपने ही लाइक्स होते थे वो। ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपका फेवरेट टिकटॉकर कौन है? मेरा फेवरेट टिकटॉकर लड़की मैमूना शाह है। लड़कों में कोई नहीं? लड़कों में हसनात बनी, ये इस्लामाबाद में रहता लड़का। तो जो बिल्कुल ही टिकटॉकर आपको बिल्कुल नहीं पसंद वो कौन? बिल्कुल ही नहीं पसंद पड़ी रोल। और आपका फेवरेट टिकटॉकर लड़की में आपकी है, लड़कों में कोई आपकी जो बिल्कुल नहीं पसंद? असद रोया, मुझे जी भी लगता है वो बंदा, उस बंदे की समझ नहीं आती वो करता क्या है। वो ठीक था वहाँ तक जब तक पाकिस्तान के लिए वीडियोस बनाता रहा, जब उसने वो वीडियोस बनाना छोड़ दी ना तो वो बंदा बेकार हो गया बिल्कुल ही। ये इनकी अपनी राय है, हम इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। आप बताएं जी आपका फेवरेट टिकटॉकर? और लड़की में? यानी कि स्टार ही फेवरेट रखे हैं फिर आपने। और जो बैड टिकटॉकर हैं जो बिल्कुल नहीं पसंद आपको? परिडोल। लड़कों में? असद रॉय। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने एक सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है क्विक क्विक, आप लोगों को पता ही होगा, जिसमें कुछ टिकटॉकर्स के नाम मैं पूछूंगा और जो नाम एक बार आप ले लेंगे जो भी आप लाइन उस पर बोलेंगे और आप रिपीट नहीं करेंगे। सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, आप मुझे बताएं असद रॉय बहुत ही बकवास। अलीश बांजो अच्छी है, मसलन गुड लुक है, उसकी वीडियोस भी अच्छी होती हैं, सबसे सेपरेट है मसलन, ओके है गुड। अली रियाज मैं कहता हूँ बहुत, उस बंदे ने बहुत स्ट्रगल किया है बहुत ज़्यादा, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि उसके कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, सबसे अलग कंसेप्ट है उसका। आप मुझे ये बताएं कमल आफ्ताब? कमल आफ्ताब मुझे इतनी कोई खास नहीं है, लेकिन यह जुल्कर नैन के साथ है तो बस मैं उसको थोड़ा सा ही कहूँगा ओके है, जुल्कर नैन क्योंकि किंग है वो, उसकी वजह से। ठीक है जी, जैसे आप कहते हैं मैं कुछ नहीं कहूँगा, जो ये कह रहे हैं ये इनकी अपनी मर्जी और इनके अपने कमेंट्स हैं। मुझे अब अगला आप बताएं कि डोली मुझे ना मसलन ना उसका ओवर ही है, उसकी ड्रेसिंग, उसका ना फेस लुक ना थोड़ा सा बहुत ही अजीब लगती है। हीरा खान वो बेस्ट है वो। ठीक है, आप बताएं जी जन्नत मिर्जा? जन्नत मिर्जा बकवास। अलीश बांजुम वो अच्छी है, बेस्ट वो अच्छी है। जुल्कर नैन तो मेरा बादशाह, मेरे जो किंग है, उनसे उनके जो देख के वीडियो बनाता हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा आप बताएं अली रियाज बेस्ट है। अच्छा, अरिका हक? अरिका तो मेरे दिल की जान है। अच्छा, कमल आफ्ताब भी टिकटॉक अच्छी बनाते हैं, बेस्ट जी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारा लास्ट सेगमेंट उसकी तरफ हम चलते हैं, वो है कुछ ब्लैंक्स मैं आपसे पूछूंगा, पहले आपसे देन आपसे। आप मुझे ये बताएं डैश के साथ आप वीडियोस बनाना पसंद करेंगे? मैं मुन्ना शाह। डैश का अकाउंट ब्लॉक हो जाए? मैं नहीं चाहता किसी का अकाउंट ब्लॉक, किसी को मसा क्यों नहीं, किसी एक का नाम बताना पड़ेगा बस। अब मैं तो ये कहूँगा नदीम नानी। अच्छा मुझे ये बताएं कि डैश की वीडियोस का आपको वेट रहता है, जिसको आप मतलब अक्सर फॉलो करते हैं किसी की वीडियोस को? मैं मुन्ना शाह, मैं उसकी वीडियो का जो नाम एक बार ले लिया मैंने बताया आप रिपीट नहीं करेंगे तो फिर आपको योर। मुझे रहता है हसनात, लड़का हसनात है इस्लामाबाद का, मुझे उसकी वीडियोस का वेट, क्योंकि मैं ज़्यादा ना उसकी वीडियोस को देख के ना, क्योंकि वो घर में ना मिरर में ज़्यादा वीडियोस बनाता है तो मैं उसी की वीडियो को देख के ना फोकस करता हूँ कि ना उसके मसल ना कॉपी तो ना समझे लेकिन उसको कंसेप्ट मैं ना। ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि डैश आपको टिकटॉक पे बहुत ही ज़्यादा लगता है? परी डोल। अच्छा, डैश को एमी फेम मिल गया, टैलेंट तो कोई है नहीं? अली खान, ये चलने का ही उसको दे दिया बस, चलता चलते ही वो मतलब फेम है, ये कोई फेम तो ना वो फेम उसको देना चाहिए जिसने स्ट्रगल किया, ये स्ट्रगल थोड़ी है बस चलना, ये चलने में को ये। अच्छा वैसे 2.5 साल से उसने भी वीडियोस बनाई हैं, स्ट्रगल तो है, स्ट्रगल है लेकिन ना एक ये कोई स्ट्रगल थोड़ी ना हुई, क्योंकि हम देखें हम वो खाली चलने में ना उसको फेम मिल गया, हम कितनी वीडियोस बनाते हैं सब, हम क्या सब लोग बनाते हैं, उनको इतना नहीं बस उसको चलने का ही फेम दे दिया, ये तो फिर उसको नहीं फेम है ये। ठीक है। आप बताएं जी डैश के साथ आप वीडियोस बनाना चाहते हैं? डैश का अकाउंट ब्लॉक हो जाए? असद रॉय। डैश की वीडियोस का आपको वेट रहता है और आप चाहते हैं कि आप इसको फॉलो भी करते रहे? डैश को तो हमें फेम मिल गया, टैलेंट तो भी है? नदीम नानी वाला। डैश आपका क्रश है टिकटॉक पे, जो नाम एक बार ले लिया आप रिपीट नहीं करें? मैंने आपने नाम ले लिया अरिका का, आपको कोई और बताएं?
अच्छा आप बताएं, डैश के साथ आप शादी करना चाहते हैं टिकटॉक की कोई लड़की? नहीं, टिकटॉकर के साथ तो कभी भी शादी, क्योंकि उसको टिकटॉक वीडियोस कितना एक्टिंग भी इसको मसल, मैं नहीं ये बात बनिया कि मैं टिकटॉक लड़की के साथ तो कभी भी शादी नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं कोई शादी। अगर किसी ने ऑफर करा दी तो? नहीं, ऑफर ठुकरा ही दो। अगर कोई लड़की मलक हुई तो फिर भी नहीं, क्योंकि मैं टिकटॉकर लड़की के साथ नहीं करूँ मसल, वो बिल्कुल कागज से ही फारक। अच्छा आप, आपकी कोई है क्रश टिकटॉक पे? आपने नहीं बताया। अगर किसी ने ऑफर करा दी कि मैंने शादी करनी है? शादी बस मामा की पसंद की। मामा की पसंद की, पापा की पसंद की नहीं करनी? वही दोनों की, मामा पापा की पसंद की, दोनों की। ठीक है, लास्ट पे आपके जो फैंस और हेटर्स उनके लिए मैसेज? फैंस के लिए तो मैं यही कहूँगा, उन्होंने इतना मुझे सपोर्ट किया है, इतना सपोर्ट किया कि मैं आज इस मुकाम पे हूँ, तो मैं उनको बस यही कहना चाहूँगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं आज इस मुकाम पे, तो सिर्फ आप लोगों की वजह से हूँ। लाहौर में कौन नहीं जानता मलिक मून को भाई, सिर्फ मलका ना ला यारी। वो बात है, मुझे मून के नाम से कोई भी नहीं जानता, मैं साफ कहता हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ मुझे सिर्फ यही कहा जाता है मलिक साहब, सिर्फ मलिक साहब, इसके अलावा मुझे और किसी नाम से नहीं जाना था, सिर्फ मलिक, क्योंकि मेरा ना ये ना ट्रेंड बन चुका है, क्योंकि लोग देखते हैं वो कहते हैं यार ये मून नहीं कहते, वो मुझे मलिक कहते हैं, सिर्फ मलिक साहब, इसके अलावा मुझे मून के नाम से तो कोई नहीं जानता, मलिक साहब के नाम से ज़रूर जानते हैं सब। आपका उनको बस यही कहना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो यहाँ तक आप जो भी मुकाम पे हो आप लोगों की वजह से ऐसे सपोर्ट करते हैं बस, और आपके हेटर्स के लिए कहना। हेटर्स वैसे मेरे कोई है तो नहीं, कभी बनाए नहीं हेटर्स, लेकिन अगर हेटर्स हैं भी तो भाई कैरी ऑन कर, तो आप कुछ सकते नहीं मारा, बाकी कैरी ऑन हेटर्स। यही आपका भी हेटर्स के लिए आपका मैसेज? ये लगे रहो। ठीक है, तो नाज़रीन बहुत ही मज़ेदार सा इंटरेस्टिंग सा इंटरव्यू रहा आज, मून का भी और दानियाल का। मेरा आपका नाम जो है ना थोड़ा सा जहन से निकल जाता है, तो उसके लिए माजरत। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो आज बहुत पसंद आई होगी, और आपके जो आइडियल्स हैं, आपके टिकटॉक स्टार्स हैं जो मैंने आज उनका भी इंटरव्यू किया है, और उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा, जिसमें मैंने इनकी पर्सनल लाइफ के भी कुछ क्वेश्चंस किए हैं, इनके इधर उधर के क्या एक्टिविटीज़ हैं वो भी मैंने इनसे जानने की कोशिश की, ताकि आप इनकी लाइफ के बारे में भी जान सकें। टिकटॉक पे तो आप इनको अक्सर अवकात देखते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ इनकी क्या है, क्या करते हैं ये, वो भी मैंने आज आपको बताने की कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी वीडियो, और ऐसे ही मुझे भी सपोर्ट करते रहें, मेरी वीडियोज़ को सपोर्ट करते रहें, और इन भाइयों को, इन स्टार्स को भी सपोर्ट करते रहें। इस भाई के चैनल को इतना आगे लेके जाएं कि बस जिस तरह आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया, ऐसे इस भाई को सपोर्ट करें, ताकि इनका अकाउंट, यूट्यूब का अकाउंट इतना ग्रोथ में आ जाए कि बस मैं आपको क्या कहूँ। इंशाल्लाह वैसे ये भाई भी खुश है, इंशाल्लाह बल्कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इनका यूट्यूब चैनल बहुत ही अच्छा हो जाए, और इनको एक फेम मिले यूट्यूब पे, और इनकी पहचान बन जाए, इंशाल्लाह। तो इसी के साथ अपने होस्ट तंजील अहमद को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।